अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे नौजवान बदकार हो जाएंगे और तुम्हारी लड़कियां और औरतें तमाम हदूद फलांग जाएंगी, यानी लिमिट क्रॉस कर जाएंगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और उससे बढ़कर उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब ना तुम भलाई का हुक्म करोगे ना बुराई पर एतराज़ करोगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और उससे भी बढ़कर उस वक्त तुम पर क्या गुजरेगी जब तुम बुराई को भलाई और भलाई को बुराई समझने लगोगे। देखें, यही वो दौर चल रहा है जिसमें भलाई को बुराई समझा जा रहा है और बुराई को भलाई समझा जा रहा है। इससे पहले कि इल्म को उठा लिया जाए और जहालत का आगाज़ हो, जो कि हो चुका है तकरीबन, हमें तकवा इख्तियार करना चाहिए, अपनी और अपने नफ्स को हक हिदायत की तरफ रुजू करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम भी रहमत इलाही के मुस्तहिक हों। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।